बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, घटिया क्रिकेट टीम, दो टके की क्रिकेट टीम भाईजान, बांग्लादेश से भी फिर चुकी है। मतलब घर में घुस के बांग्लादेश ने मारा है, अपने घर में बुला के नहीं, हमारे घर में आके ना, और पिच भी हमारे मतलब की बनी हुई थी उधर, भाई पटाखे के साथ हमें मारा है। इसके ऊपर पाकिस्तान में मतलब हर बंदे ही तपोवे, तकरीबन शुएब अख्तर की बात करूं मैं, वसीम अकरम की बात करूं मैं, आप जावेद मियांदाद उस टकले की भी बात कर लो अगर आप, मतलब सबसे ज्यादा तो बंदा तपा हुआ है ना, मतलब राशिद लतीफ और शुएब अख्तर, इन दो लोगों को मैं देख रहा हूं कि भाई काफी तपे हुए, ऑब्वियसली बात है ना। अब शुएब अख्तर एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर, वो देख रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर स्पिनर बने हुए हैं, भागते हुए स्पिनर हैं, उनसे बॉल ही नहीं हो रही, किसी से रनअप कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई 130 से ऊपर नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली बंदा तपेगा ना। पाकिस्तान बांग्लादेश से पहली बार हारा है, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से हिस्ट्री में टेस्ट पहली बार हारा है, ये बांग्लादेश की पहली जीत थी एज अ टेस्ट की पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऑब्वियसली बात है हर बंदा तपेगा ना। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की, शुएब अख्तर ने बोला है कि जब आप खुली छूट दोगे, जब आप जो वो सर्जरी बोल कर नहीं करोगे, जब आप प्लेयर्स का साथ दोगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर इस तरह की चीजें होंगी। शुएब अख्तर ने डायरेक्टली बात की है कि आप इंडिया से सीखो, आप इंडिया से सीखो कि किस तरह सीनियर प्लेयर की मौजूदगी में उन्होंने जूनियर तैयार किए और अब वो वर्ल्ड क्रिकेट पे राज कर रहे हैं। आजकल यशस्वी जायसवाल का नाम है, शुभमन गिल का नाम है, अक्षर पटेल का नाम है, रियान परक का नाम है, हर बंदे का नाम चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का कहीं नाम नहीं चल रहा। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की, शुएब अख्तर ने बोला कि आप एक 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 एज अ नेशन फेल हो चुके हो, आप अपनी टीम की बुराई उस तरह करते ही नहीं हो ना, ऑब्वियसली बात है ना। जब मेरा घंटे का जो किंग है, जो दो टके का बुब्जी है, वो पिछले 1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट में आधा 1.50 भी नहीं है उसका, तो वो किस मेरिट पे क्रिकेट खेल रहा है, वो किसकी पर्ची है, किसका लड़का है बाबर आजम, बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करो। शुएब अख्तर ने, और अगर मैं बात करूं राशिद लतीफ, तो राशिद लतीफ ने भी बड़ी जबरदस्त बात की, राशिद लतीफ ने भी यही बोला है कि पाकिस्तान टीम में लाइक डिसलाइक का कल्चर बंद करना पड़ेगा, शहीन अफरीदी अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो शहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दो। इंडिया ने भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर दिया था, भुवी शहीन से 100 गुना बेहतर बॉलर था, भुवी की स्विंग आज तक उस जैसी स्विंग कोई नहीं कर पाया, उन्होंने भुवी को ड्रॉप कर दिया था, भुवनेश्वर कुमार इंडिया का बेहतरीन बॉलर था, ड्रॉप कर दिया था उसको। शहीन अफरीदी क्या उसकी जान के बाल के बराबर भी नहीं होगा शहीन अफरीदी, तो शहीन अफरीदी को आप क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते जी, शहीन अफरीदी क्या ऊपर से आया हुआ है, शहीन अफरीदी क्या मतलब कहना काने नहीं टोली ना लुआया हुआ है शहीन अफरीदी, शहीन अफरीदी नहीं ड्रॉप हो सकता। राशिद लतीफ ने बोला कि आप इंडिया से सीखो, वो भी एक एशिया की टीम है और वो तीसरा WTC फाइनल खेलने जा रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट करती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को घर में बुला के डोमिनेट करती है, इंडिया इंग्लैंड में जाके डोमिनेट करती है, इंडिया जो है वो श्रीलंका में, मतलब जहां भी चले जाओ इंडिया डोमिनेट करता है। क्यों करता है सर, उनका जो प्रोसेस है, जो जिधर से वो प्लेयर्स निकालती है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो कभी भी किसी एक प्लेयर पे, किसी दूसरे प्लेयर पर डिपेंड नहीं करते, वो एज अ टीम खेलते हैं। उन्होंने जडेजा का बैकअप रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, उनके पास मसला ही नहीं है, उनके पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज है, उनके पास अर्शदीप सिंह है, आपके पास क्या है, आपके पास वही रंडी रोना, आपके पास वही, इंडिया ने बॉल में चिप लगा लिया है, इंडिया ने चिप पिच चेंज कर दिया है, इंडिया बॉल टैंपरिंग कर रहा है, यही बातें आप लोग कर रहे हो ना, आपकी क्रिकेट किधर जा रही है, आपकी क्रिकेट क्या कर रही है, आपकी क्रिकेट बांग्लादेश से हार गया, घर में अंदाजा लगा लो 10 विकेटों से बांग्लादेश ने मारा है। बाबर आजम जिसको आप कहते हो बैटर देन विराट कोहली, बड़ी जबरदस्त बात किया वसीम अकरम ने, वसीम अकरम ने बोला कि बाबर आजम की औकात यही है कि बाबर आजम 25-30 रन ही कर सकता है, जो बाबर की औकात है वो 25-30 रन वाली है, आपने उसको हमें विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया। आप एमें जो कहते हो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान का बाबर आजम बाबर विराट कोहली से बेहतर है, घंटे का बेहतर है यार, विराट कोहली की मैं 10 इनिंग्स आप कैसी टेस्ट गिना सकता हूं, टेस्ट नॉक जो अकेले अपने दम पे उसने मैचेस जिताए हैं, बाबर आजम क्या कर रहा है, बाबर आजम तो आज तक किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट रन ही नहीं कर पाया, बाबर आजम आज भी डक पे आउट हो रहा था, वो क्या ड्रॉप कर दिया लिटन दास ने, मतलब आप कर क्या रहे हो। शुएब अख्तर कह रहा है हमारे जमाने में हम मुंह पे बाले मारते थे, इधर बाले हो ही नहीं, श्रीलंका बांग्लादेश की बॉलर ने वो शरीफ उल इस्लाम ने बजा दिया पकड़ के, यार आप लोगों को शर्म नहीं आती,
मतलब आप कर क्या रहे हो? वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में भी आपकी बेस्ती, T20 वर्ल्ड कप में भी आपकी बेस्ती, रह गया तो ये टेस्ट क्रिकेट, ये भी आपकी बेस्ती। पाकिस्तान पिछले 4 सालों से अपने घर में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। पिछले 4 सालों में अगर क्रिकेट की कोई वर्स्ट साइड देखनी है तो वो पाकिस्तान है, तीनों फॉर्मेट में। मतलब तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट की वर्स्ट साइड जो है वो कोई बदतरीन जो साइड है वो पाकिस्तान साबित हुई है सर। अब बात पता है शुएब अख्तर और वसीम अकरम ने क्या किया है? शुएब अख्तर ने बोला कि पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा घटिया फास्ट बॉलर और इंडिया के पास सबसे ज्यादा बेहतरीन फास्ट बॉलर है। और ये बात वसीम अकरम ने भी किया। वसीम अकरम ने तो अभी रिसेंटली बोला था ना कि जसप्रीत बुमराह का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये बात वसीम अकरम ने की थी कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। आपका शाहीन अफरीदी नहीं था उस लिस्ट में। आपके शाहीन अफरीदी को पिछले 3 सालों में 11 विकेटें मिली हैं टेस्ट क्रिकेट में। मतलब जो बंदा बैडली एक्सपोज है, बुरी तरह एक्सपोज है, वो बंदे को आप उठाए हो शहीन ईगल और फलाना और टमकाना, शट अप, शट अप, इंसान के बच्चे बन जाओ, इंसान बन जाओ। आप लोग नहीं सुधरने वाले। मतलब बांग्लादेश आपको आपके घर में आके मारा, वो बांग्लादेशी है भाई, तपे हुए हैं इस टाइम। उन्होंने आपको आपकी औकात याद दिलवाई है। बड़ी जबरदस्त बात किया है राशिद लतीफ ने, बोला है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की मैं आपको, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को मैं आपको कुछ लफ्जों में बताऊं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट ये है कि जो यूएसए से आ रही है, जो बांग्लादेश से आ रही है, जो जिम्बाब्वे से आ रही है, जो है वो अफगानिस्तान से आ रही है, जो आयरलैंड से आ रही है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा, इन टीमों की बात कर रहा हूँ। हम इनसे भी हारे हुए हैं और अभी रिसेंटली हारे हैं। इससे ज्यादा घटिया टीम हो क्या हो सकती है, मुझे बताओ ना। हमारा पीसीबी भाई खुले आम तपे है वसीम अकरम। वसीम अकरम ने बोला कि ये पीसीबी को टेस्ट क्रिकेट के लेवल की पिचेस बनानी ही नहीं आती। ये पीसीबी भी बुरी तरह एक्सपोज हो गया इनको भाई। सीधी बड़ी जबरदस्त बात किया, मैं कहता हूं 16 ने दुरुस्त बात किया वसीम अकरम ने। वसीम अकरम ने बोला कि ये स्पिन ट्रैक पता क्यों नहीं बनाते, इनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है। सही बात है ना। वसीम अकरम ने बोला है कि ये ना तो फास्ट बॉलिंग का ट्रैक बना पाते हैं ना ये स्पिनर्स, क्योंकि इनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं है। इनको पता है कि हमारे बॉलर्स 20 विकेटें नहीं ले पाएंगे, जो दिल है कर लो, तो ये बैटिंग एडवांटेज विकेट बनाते हैं और उस पर खुद ही पिल जाते हैं। उसके ऊपर भी इनके बैट्समैन रन नहीं करते, उसके ऊपर भी बाबर आजम घंटा आउट हो जाता है, उसके ऊपर भी जिम्बाब्बर जो है उसके ऊपर भी आउट हो जाता है, उसके ऊपर भी जिम्बाब्बर जो है वो अपनी कवर ड्राइव मारते हुए बोल्ड हो जाता है। क्या बात है ना। कहते हैं ना 7 बिलियन पीपल है, बाबर आजम की कवर ड्राइव से बेहतर किसी की कवर ड्राइव ने घंटे पे चढ़ गई। भाई शुएब अख्तर ने बोल दिया, शुएब अख्तर ने बोल दिया कि इस टाइम अगर कोई दो बंदे टीम से ड्रॉप होने चाहिए तो एक का नाम शाहीन अफरीदी और दूसरे का नाम बाबर आजम है। इन दोनों को टीम से ड्रॉप करके डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ। और ऑब्वियसली बात है ना, विराट किंग कोहली जो पापा है क्रिकेट का, जो पापा है क्रिकेट का, उसके साथ इस घंटे को कंपेयर करते हैं। और जसप्रीत बुमराह जो इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर साबित हुआ है, उसको कहते हैं कि जी बुमराह से बेहतर शाहीन अफरीदी है। जी शाहीन अफरीदी जिसकी बाल ही 130 से ऊपर नहीं जा रही, जब से उसकी शादी हुई है उसकी बाल ही नहीं आगे जा रही। इंडिया पिछले 11 सालों से घर में नहीं हारा, इंडिया पिछले 11 सालों से घर में नहीं हारा और आप कभी जीत ही नहीं पाए। ना आप बाहर जाके जीत रहे हो ना आप पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल 2 साल में क्या किया? एशिया कप उठा लो, पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज, वर्ल्ड कप पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, सबके सामने था, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हुई थी तब, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में गया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में हारा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, बच्चा वो मार के गई, फिर हमें वर्ल्ड कप में जो मतलब वो तो एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खौफनाक चीज थी वो, फिर अभी देख लो, अभी आपको मार दिया बांग्लादेश ने। ये तो आपकी क्रिकेट की रियलिटी है। पीसीबी हमारा वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम बन रहे हैं, फलाना टमकाना, भाई ना इधर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर ना ही हो। इस जो जलालत हम फेस कर रहे हैं ना भाई, आपके पास ना अच्छे वॉशरूम है, ना चेयर्स हैं, ना माइक आपके काम करते हैं, ना प्लेयर आपके अच्छे खेलते हैं, क्रिकेट करवा क्यों रहे हो आप? क्रिकेट करवा क्यों रहे हो? ये रमीज राजा के ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी रमीज राजा के दौरा एरा में जो है वो ये पिचेस बनी थी, तो रमीज राजा ने बड़ी इसके ऊपर बात की। रमीज राजा ने बोला कि इंडिया से बड़ा क्रिकेट नेशन तो कोई नहीं ना, वो भी तो हर किस्म की सिचुएशन में अपने आप को डाल के खेल लेते हैं, आप क्यों नहीं खेल पाते? आप क्यों जो है वो एकदम सिंगर जाती हो? इंडिया स्पिन ट्रैक बनाता है और उसी स्पिन ट्रैक पे ला के मारता है और उनके
बाकी टीमें भी अच्छे स्पिनर्स लेके आती हैं। इंडिया दूसरे के साउथ अफ्रीका में जाके, इंडिया भी साउथ अफ्रीका में जाके जीता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता है, इंडिया इंग्लैंड में जाके जीता है, इंडिया न्यूजीलैंड में जाके डोमिनेट करता है। वो तो नहीं एक्सक्यूज देते, वो तो नहीं रंडी उन्होंने लगा के बैठ जाते। और बात यही है ना, बात अच्छी बात है ना, शुएब अख्तर ने अच्छी बात की है ना कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज है, पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज है, पाकिस्तान के पास कप्तान नहीं है बनाने को, हमारे पास कप्तान नहीं है। सर हमारे, हम मजाक इंडिया का उड़ाते हैं, हम चैलेंज इंडिया को करते हैं। हमारा कप्तान शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहता है हम WTC फाइनल खेलेंगे, घंटा तू खेलेगा, तेरे पास कप्तानी वाला काम नहीं है, तेरे पास पैर से तू खुद क्या कर रहा है, 28 की एवरेज है तेरी, 28 की एवरेज के साथ तू खेल रहा है। बांग्लादेश ने आपको 10 विकेटों से घर में मारा है पिंडी में, और उस पिंडी में जिसमें आपने 450 पे इनिंग डिक्लेयर की थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर कॉन्फिडेंस हुए हुए थे ये लोग, 450 बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने फिर 600 मार के फिर इनको 150 पे ऑल आउट करके और फिर 10 विकेटों से मैच मारा है। ये बांग्लादेश जीता है भाई, अंदाजा लगा लो कितनी घटिया और बुरी क्रिकेट हो चुकी है हमारी। लेकिन ये जो मेरे घंटे और जिम्बू के फैन है ना, इनको तो बेटा अगर मैंने अभी किसी पोस्ट पे देख लिया ना, बाबर आजम विल बी कम बैक, और ये बेटा उनको मैंने पकड़ के उनके घर में जाकर लत्ता मारे ना, तो मैं ठुड्डे मारे ना तो मैं, तो इस तरह के घटिया मैंने पोस्ट किसी की देख ली तो इंसान के बच्चे बन जाए ना, घर में घुस के मारूंगा अब मैं। ये बात मेरी याद रखना, ये जो घंटे के, ये जो शाहीन अफरीदी के फैन है ना, पुत्र मुझे नजर ना आ जाए कोई, ये बात भाई बड़े दिल से कर रहा हूँ। हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में बेइज्जती हो रही है, वर्ल्ड क्रिकेट में दुनिया हमारी थूक रही है, हमारे ऊपर थूक रही है, थूक सट दिया ने दुनिया साढ़े उत्ते। तो शेम ऑन यू PCB, पाकिस्तान टीम, ये 2% के प्लेयर्स, ये 2% के जो किंग आपने बनाए हुए हैं, इनको बाढ़ में ले जाओ, इनको घर ले जाओ, बल्कि बाढ़ में नहीं, जो अभी भी कहता ना बाबर किंग है उसको घर ले जाओ अपने। बाकी बड़ो लाइक करें, सब्सक्राइबर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत हर एक हाफिज़।